इस वीडियो में देखेंगे जानेंगे कोई भी डीजी जनरेटर का ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम वायरिंग कनेक्शन कैसे करते हैं। जैसे पावर सप्लाई अगर रहता है या कटा हुआ है चला आता है तो ऑटोमेटिक जनरेटर बंद हो जाएगा। अगर पावर सप्लाई चला जाता है, कट जाती है, मेन लाइन नहीं रहता है तो ऑटोमेटिक जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कितने वायर लगते हैं, कौन सा वायर कहाँ पर कनेक्शन होता है, ए टू जेड हम आपको दिखलाएंगे वायरिंग और कनेक्शन, और ये किस तरह से काम करता है ये भी हम आपको लास्ट में प्रैक्टिकल चेक करके लाएंगे कि किस तरह से इसका सिस्टम काम करता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कोई भी डीजी ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम का वायरिंग कनेक्शन कैसे करें, जब पावर सप्लाई रहे तो ऑटोमेटिक जनरेटर बंद हो जाए, जब पावर सप्लाई नहीं रहे तो ऑटोमेटिक जनरेटर स्टार्ट हो जाए, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक गौर से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो जैसे कि ये है हमारा डीजी जिसके अंदर हम आपको कनेक्शन करके दिखलाएंगे ऑटोमेटिक, पावर सप्लाई आएगा तो ये बंद हो जाएगा और पावर सप्लाई कट जाएगा तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। यहाँ पे ये जो एरिया है ये है हमारा पैनल जिसके अंदर कनेक्शन करना होता है। जैसे इसके अंदर कुछ इस तरह से आपका लुक होगा। सबसे पहले हम आपको बता दें ये सिंगल फेस का डीजी है तो एक न्यूट्रल एक फेस यहाँ से आउटपुट होता है डीजी से करेंट पावर सप्लाई, और यहाँ पे और भी एलबीएम मीटर लगा हुआ है और भी जो इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रॉनिक वो लगा हुआ है। जो हमें कनेक्शन करना होता है ऑटोमेटिक का वो ये एरिया होता है जो एमसीबी के बगल में 1 से लेकर 5 तक जो कनेक्टर पॉइंट है, जो टीबी पॉइंट है, वहाँ पे कनेक्शन करना होता है 5 वायर का। और इस 5 वायर को ले जा करके जहाँ पे कनेक्शन करना होता है वो भी हम आपको दिखलाते हैं, प्लस हम आपको कनेक्शन करके प्रैक्टिकल दिखलाएंगे और किन बात को ध्यान में रखना चाहिए ये भी हम आपको बतलाएंगे। तो यहाँ से जो वायर हम ले करके जाएंगे टोटल 7 वायर होगा। जैसे ग्रीन हमारा न्यूट्रल के लिए यूज कर रहे हैं, ब्लू हम फेस के लिए यूज कर रहे हैं, जो 16 mm का है, 15 kVA का हमारा डीजी है, तो डीजी के हिसाब से मेन वायर को लगाया जाता है। और यहाँ पे जो 5 वायर हम लेंगे वो 0.5 mm का या 0.75 mm का या 1 mm का लेंगे, और यहाँ पे 5 कलर का हम वायर लिए हैं ताकि हमें कनेक्शन करने में प्रॉब्लम नहीं हो, कन्फ्यूजन नहीं हो। एक कलर का भी वायर ले सकते हैं लेकिन मार्किंग लगा करके काम करना होगा। और ये जो वायर है इसका कनेक्शन डीजी से कहाँ पे होगा वो भी चलिए हम आपको दिखलाते हैं। ये होता है एक पैनल में, जो एक छोटा सा पैनल होता है डीजी से, ये हमारा पैनल है जिसे एलबीएम पैनल भी कहा जाता है। इसके अंदर सिर्फ एलबीएम मीटर लगा है इसलिए एलबीएम पैनल कहा जाता है, या बहुत से जगह पर ये भी कहा जाता है डीजी ऑटोमेटिक ऑन ऑफ कंट्रोल पैनल। इसके अंदर कंटेक्टर लगा हुआ रहता है और ये पैनल भी जो है डीजी के कैपेसिटी के हिसाब से होता है, क्योंकि इसके अंदर जो कंटेक्टर लगता है वो कितने केवीए का आपका लोड है उसके हिसाब से लगता है। यहाँ पे टू लोड का मतलब आउटपुट होता है मेन, इनकमिंग का मतलब मेन लाइन, डीजी इनकमिंग का मतलब डीजी से जो हमारा वायर आएगा 2 फेस न्यूट्रल वो रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो 5 वायर हमें लेके आना है यहाँ पे कनेक्शन करना है, लेकिन इसमें भी चेंज होता है कौन सा वायर कहाँ पे होगा इसको भी हम आपको प्रॉपर तरह से बतलाएंगे यहाँ पे। तो चलिए अब कनेक्शन जो हमें करना है वो आपको इसके अंदर वायर लेकर के आना है तो हम पाइप के थ्रू लेकर के आएंगे, यानी कंड्यूट में लगा करके लाएंगे। ये जो वायर आपको दिख रहा है पाइप में यानी कंड्यूट में, ये हमारा मेन यहाँ से जो आउटपुट होगा वो वायर है डीजी करेंट का। और यहाँ पे जो हमारा 5 वायर है वो एक कंड्यूट में लेकर के जाएंगे और जो 2 वायर है मेन का उसे एक कंड्यूट में लेकर के जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे वायर को हम कंड्यूट में डाल करके उसके बाद आपको कनेक्शन दिखाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे कंड्यूट के थ्रू हम वायर को डाल दिए हुए हैं, जैसे डीजी से 2 कंड्यूट ले गए हैं, एक में हमारा क्या है 5 वायर है जो ऑटो ऑन ऑफ कंट्रोल करने के लिए, एक में हमारा 2 वायर है जो न्यूट्रल फेस का है, और इस साइड से हमारा इसके अंदर 4 वायर है। जैसे 2 तो है यहाँ से आउटपुट होगा करेंट उस लोड के लिए, और 2 जो ब्लू कलर का वायर है इससे मेन लाइन आएगा यानी पावर सप्लाई जो गवर्नमेंट होता है इससे हम कनेक्शन करेंगे। इसके अंदर 220 वोल्ट होता है, मेन लाइन होता है, जिससे यहाँ कमान हो जाए कि हाँ हमारा पावर सप्लाई आ गया है और डीजी बंद कर देना है। तो 2 वायर आपको मेन लाइन का भी लाना होता है। उसके बाद ये जो 2 वायर है ये हमारा डीजी से आ रहा है न्यूट्रल फेस, और ये 5 वायर है जो ऑटोमेटिक कंट्रोल करने के लिए कनेक्शन यहाँ पे करना है हमें।
तो जो कनेक्शन है हम डीजी के साइड से स्टार्ट करेंगे। ये जो कंड्यूट हम लेकर के इस तरह से गए हैं, आपका हो सकता है जो ये पैनल है छोटा वाला अलग हो, डीजी अलग हो, तो जितना दूरी हो आप वायर डाल दीजिएगा, अपना जो रास्ता हो उससे लेकर के जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेन हमारा 16 mm का वायर है जो फेस न्यूट्रल के लिए हम यूज कर रहे हैं, इसका हम कनेक्शन करेंगे। इसके अंदर हम लग यूज किए हुए हैं, आप भी लग यूज कीजिए। जब आपका 10 mm का वायर हो जाए तो ज़रूरी है कि लग यूज करना, ऐसे तो 4 mm 6 mm में भी यूज करना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता है तो पतला वायर में आप बिना लग का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोटा वायर में हमेशा लग यूज करना चाहिए ताकि टाइट रहे, वायर लूज नहीं हो। तो यहाँ पे ग्रीन वाला जो वायर है उसे न्यूट्रल में हम यूज कर रहे हैं, अगर ब्लैक कलर का आपका वायर मिल जाता है तो और अच्छी बात है, लेकिन हमारा यहाँ पे नहीं मिल पाया था तो ग्रीन आया, तो यहाँ पे हम ग्रीन को न्यूट्रल में यूज कर रहे हैं और जो हमारा ब्लू है उसको फेस में यूज कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे जो फेस वाला वायर है उसको भी हम यहाँ पे नट बोल्ट से कस दिए। हाथ से टाइट करने के बाद आप क्या कीजिए, प्लाय से टाइट कीजिए, अगर पाना से करते हैं तो और बेहतर है, लेकिन हम यहाँ पे एडजस्ट पाना यूज कर रहे हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, वो नीचे से जो कनेक्टर लगा हुआ है उसका सपोर्ट बना करके ही कसिएगा, नहीं तो वो टूट भी जाता है। जैसे नट पूरा कस दिया गया, फुल टाइट हो गया आपका नट, उसके बाद आप दबाव बनाइएगा तो वो टूट जाएगा, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से कसना है। लूज बिल्कुल नहीं होना चाहिए और टाइट हो जाने के बाद आपको टाइट नहीं करना है। तो हमारे जस्ट पाना से यहाँ पे टाइट कर दिए हुए हैं। अब चलिए हम क्या करेंगे, जो 5 वायर है यहाँ पे जो हमें कनेक्शन करना है उसको करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है पूरी तरह से। तो जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे सबसे ऊपर तो लिखा गया है GC और राइट साइड से 5 नंबर कनेक्टर TV में हम कनेक्शन कर रहे हैं यहाँ पे रेड वायर को, जो फेरुल है ऊपर वो है हमारा GC, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा और GC में कनेक्शन कर रहे हैं। DG में कनेक्शन करने के बाद अब हम चलेंगे पैनल के साइड और उसमें देखेंगे GC कहाँ पे लिखा हुआ है, वहीं पे रेड वाला वायर का कनेक्शन होगा। जैसे यहाँ पे हम आ गए, रेड वाला वायर लिए और इसमें हम GC देखेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड से फर्स्ट छोड़ के सेकेंड वाला कनेक्टर है, तो वहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको सीरियल बाई मिल जाए, बहुत से जगह पे सीरियल बाई भी मिल जाता है कि आपका राइट साइड से आपका रेड ये स्टार्ट हुआ, जैसे GC MC, तो सीरियल बाई भी मिल सकता है। नहीं सीरियल बाई मिलेगा तो आपको फेरुल पे देख लेना है, उसके बाद आपको कनेक्शन करना है। ये हो गया GC, उसके बाद MC है। MC में हम येल्लो यहाँ पे कनेक्शन कर देते हैं। चलिए येल्लो वायर को हम यहाँ पे MC में कनेक्शन कर देते हैं। यही हमको क्या करना होगा, दूसरे साइड चलेंगे DG में, तो MC में हम येल्लो को करेंगे कनेक्शन, इसीलिए हमने कलर बाई कलर वायर लिया हुआ है ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। अब जैसे कि ये DG के साइड हो गया, यहाँ पे हम देखेंगे MC कहाँ है। MC जो है वो हमारा GC के बगल में है, तो MC वाले में हम येल्लो कलर का वायर लगा देंगे। उसके बाद है 2B, यहाँ पे ब्लू कलर का हम वायर लगा देंगे। उसके बाद चलेंगे पैनल में यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखेंगे 2B कहाँ पे है, तो यहाँ पे 2B नहीं है, 2D है। ये भी हो सकता है, बहुत सारा DG में आपको कि 2D मिले लिखा हुआ, तो 2D मिल जाएगा या 2B मिल जाएगा या तो 2D 2B मिलेगा, तो इस तरह से आपको मिला देना है। उसके बाद हम यहाँ पे ब्लैक कलर का वायर ले रहे हैं और इसका कनेक्शन हम कर रहे हैं यहाँ पे 1 में, यानी 1 नंबर जो फेरुल पे लिखा गया है 1। उसी तरह से DG के साइड ब्लैक कलर का वायर 1 नंबर में हम लगा देंगे। उसके बाद बच रहा है हमारा H1, यहाँ पे जो ग्रीन कलर का हमारा वायर है उसको H1 में यहाँ पे कनेक्शन हम कर देंगे। तो चलिए हम कनेक्शन कर देते हैं। उसके बाद हम चलेंगे जो LVM पैनल है उस साइड और यहाँ पे देखेंगे H1 कहीं पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक बचा है, वो है हमारा ऑटो, तो ऑटो में यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। तो इस तरह से ये कनेक्शन हो गया 5 वायर का। एक चीज़ और, ये फेरुल पर जो लिखा गया है, हो सकता है बहुत सारा कंपनी का DG और LVM पैनल एक ही कंपनी का लेते हैं तो सेम आपको मिल जाए फेरुल नंबर और कनेक्शन करने में इजीली हो। ये थोड़ा सा अलग है, दूसरे किसी का पैनल बनाया हुआ है, ये LVM कंट्रोल पैनल और DG आपका किलोस्कर का है, लेकिन इसके अंदर LVM मीटर जो है वो किलोस्कर का ही यूज किया गया है, लेकिन ये बनाया हुआ दूसरे किसी का, इसलिए फेरुल नंबर चेंज है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वायर है बचा था हमारा उसको हम ट्रे में डाल दिए हुए हैं और उसके बाद जो वायर यहाँ पे बच रहा है, यानी डोर हमारा खुले बंद हो, उसके हिसाब से लूज करके यहाँ पे टाई लगा देंगे ताकि हमारा डोर खुलने बंद होने में प्रॉब्लम नहीं हो। उसके हिसाब से वायर को लूज छोड़ के हम टाई लगा दिए हुए हैं और यहाँ पे हमारा कनेक्शन हो गया है 5 वायर का, जो ऑटो कंट्रोल सिस्टम है उसका।
अब बचता है जो कनेक्शन करने का हमारा, वो बचता है यहाँ पे जैसे कि हमारा मेन इनकमिंग, डीजी इनकमिंग और आउटपुट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेते हैं जो डीजी से हमारा फेस न्यूट्रल का वायर आ रहा है, यहाँ पे डीजी इनकमिंग में कनेक्शन हम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे न्यूट्रल का वायर हम डालेंगे और यहाँ पे कनेक्शन इसका कर लेंगे, और कभी भी लूज नहीं होना चाहिए। और ये हर वीडियो में मैं बार बार बोलता हूँ, कहीं पर भी कनेक्शन होता है तो कभी भी इलेक्ट्रिकल कोई भी वायर लूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लूज रहेगा तो वो धीरे धीरे हीट होगा, स्पार्क करेगा, जल जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, उस हिसाब से ही आपको काम करना है। तो यहाँ पे डीजी इनकमिंग हो गया, उसके बाद बचता है यहाँ पे मेन ऑन्स। मेन ऑन के लिए हमने यहाँ पे 2.5 एमएम का वायर लिया हुआ है और इसको हम रिंग बना लेते हैं। कहने का मतलब इसमें लग लगा दे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इस साइज़ का लग हमें नहीं मिल पाया था तो इसलिए हम वायर को छिलके इस तरह से रिंग बना लिए हैं और इसके अंदर इसको डाल के कनेक्शन कर देंगे, जिससे क्या होगा ये पता चलेगा। यहाँ पे जैसे कमान आ जाता है, यानी पता चल जाता है कंडक्टर जो वर्क करता है उसको ये पता चलता है कि हाँ लाइन आ चुका है, अब हमें डीजी को ऑफ करना है यानी बंद करना है। इसलिए इस वायर को यूज किया जाता है। ये गवर्नमेंट मेन पावर सप्लाई का, अगर आप लगाना चाहते हैं कि गवर्नमेंट मेन पावर सप्लाई आ जाए तो डीजी बंद हो जाए, ज़्यादातर यही होता है, या अदर भी कोई सप्लाई आप चाहते हैं कि आने के बाद बंद हो जाए डीजी, तो वो भी कर सकते हैं। उसी का लाइन बस आपको यहाँ पे देना होता है, एसी पावर सप्लाई 220 या 240 वोल्ट जो जनरली होता है, लेकिन मिनिमम 140 वोल्ट आएगा तभी ये जाकर बंद होगा, और आपका 220 240 तक आता है तो आसानी से बंद हो जाता है, यानी कम से कम 140 वोल्ट आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है गया है टू लोड। टू लोड का मतलब होता है यहाँ से आपका करेंट आउटपुट जो आपका घर में जाएगा लाइन यहाँ से डीजी का, उसका कनेक्शन इसके अंदर करना है। तो यहाँ पे आपका दो वायर है और दोनों वायर को हम क्या करेंगे इसके अंदर, चलिए फटाफट कनेक्शन कर देते हैं। और जो बगल में दो आपका खाली दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है कि अगर इसे TPN यानी जो थ्री फेज का डीजी होता है उसके लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पे कनेक्टर चार दिया गया है तो एक न्यूट्रल और तीन फेज में यूज हो जाता है। तो यहाँ पे सिंगल फेज का है इसलिए दो स्पेयर है, खाली है और दो ही यूज हो रहा है, एक न्यूट्रल एक फेज के लिए। तो यहाँ पे इसको भी हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालने के बाद वायर को अच्छी तरह से जो नट है उसको कस देंगे ताकि लूज नहीं रहे, और यहाँ पे हम कनेक्शन इसका कर लिए। इस तरह से ये हो गया, इस तरह से इसका कनेक्शन यहाँ पे हम कंप्लीट फाइनल कर लिए हुए हैं। और यहाँ पे वायर थोड़ा बड़ा था तो हम इसके अंदर ट्रे में डाल दिए हुए हैं। इस तरह से अगर आपका बड़ा वायर है, मोटा वायर है, तो उसको कटिंग मत कीजिए, इसी के अंदर पैनल के अंदर ट्रे में डाल दीजिए या घुमा दीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। एक बार कनेक्शन आप चेक कर लीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए, जिस तरह से हम बतलाए हैं उसी तरह से सेम आपको कनेक्शन करना है ताकि प्रॉब्लम आपको नहीं हो। तो यहाँ पे कनेक्शन हमारा सही है, कंप्लीट हो गया है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो डोर है इसको बंद करेंगे। इसको बंद करने के बाद इसके अंदर जो LVM मीटर के नीचे दो रोटरी स्विच होता है, इसको ये जो फर्स्ट है इसको करेंगे डीजी साइड, और उसके बाद हम क्या करेंगे इसको करेंगे मैनुअल। अगर ऑटो पे कर दे तो ये ऑटोमेटिक चेंजओवर की तरह भी ये काम करता है। इसके ऊपर स्पेशल मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग का डिमांड आता है और आप लोग कमेंट करते हैं तो। तो इस तरह से आपको कर देना है दोनों रोटरी स्विच को, एक को आपको कर देना है डीजी के साइड मेन के साइड नहीं, और एक को कर देना है मैनुअल के साइड ऑटो के साइड नहीं। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे जो ये MCB है इसको हम ऑन कर देंगे, नहीं तो ये स्टार्ट नहीं होगा। उसके बाद ये डीजी के साइड जो पैनल है इसको भी हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हम चालू करेंगे। उससे पहले एक काम और हमें यहाँ पे करना है, जो ये डीजी है इसके अंदर जो सेल्फ लगा रहता है उसके लिए एक बैटरी रहता है जिससे ये स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ये वायर निकला हुआ है एक, इसे हम यहाँ पे लगा देते हैं। कंपनी के तरफ से एक वायर निकाल करके आता है या बहुत से जगह पे दोनों वायर निकला हुआ आता है, तो आपको एक बार देख लेना है बैटरी का वायर अगर निकला हुआ है तो उसका कनेक्शन कर देना है, प्लस प्लस माइनस माइनस देख करके प्रॉपर तरह से और फुल टाइट कर देना है। तो यहाँ पे हम बैटरी का भी कनेक्शन कर दिया इसके अंदर, अब इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं और चेक करके आपको दिखला सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर जो पावर सप्लाई हमें मेन कमांड देना था उसका कनेक्शन करना है। जो वायर हमारा दो गया है ब्लू कलर का, जो एक न्यूट्रल एक फेस गया है AC पावर सप्लाई के लिए, ये वायर है और ये हमारा मेन बोर्ड से जा रहा है। जैसे यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंजओवर लगा हुआ है, दो लगा हुआ है और दो तरह का यहाँ पे पावर सप्लाई है, जिस भी पावर सप्लाई से आप चाहते हैं दे सकते हैं। इसको बस आपको मेन लाइन यानी जो लाइन आएगा
जैसे स्टेबलाइजर से हम कनेक्शन करेंगे, इसलिए क्योंकि वहाँ पे 140 वोल्ट से अगर कम आएगा तो डीजी नहीं बंद होगा, लेकिन स्टेबलाइजर में अगर 90 वोल्ट आता है 100 वोल्ट आता है तो वोल्टेज बना देता है, तो उस समय क्या होगा, हमें डीजी बंद करने की ज़रूरत होगी। तो जो स्टेबलाइजर से आउटपुट हो रहा है उसी के अंदर इसका कनेक्शन कर लेंगे। तो चलिए हम कनेक्शन कर लेते हैं इसके अंदर वायर छील करके मेन वायर में। जैसे इसके अंदर हम कनेक्शन कर लिए हुए हैं एक न्यूट्रल एक फेस में, यहाँ पे इस तरह से आपको कनेक्शन कर लेना है, या कहीं पे एमसीबी बॉक्स या जहाँ पे आपको लगता है ज़रूरत है वहाँ से आपको कनेक्शन कर लेना है, जो लाइन आएगा जिससे हमारा डीजी बंद हो जाए यानी जनरेटर बंद हो जाए। अब यहाँ पे चलिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने का सबसे पहले प्रोसीजर हम आपको बता दें, इसके अंदर जो ये पहला है जो आपको दिख रहा है ये लैंप के लिए है, इसके अंदर लाइट लगा हुआ रहता है, कभी रात को काम करना हो तो इसे ऑन ऑफ कर सकता है, लाइट का इससे कोई मतलब नहीं है, जो मेन कंट्रोल है ये है, इसको हम ऑन करेंगे। चलिए ऑन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेगा जैसे किर्लोस्कर ग्रेन, ये जो कंपनी का है डीजी वो आपका शो करेगा कितना तेल है वो सब शो करेगा। इस पे आपको ध्यान देना है रेडी कब लिख रहा है, जैसे ये रेडी लिख दिया, रेडी लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, स्टार्ट का जो बटन है ग्रीन कलर का उसे आपको दबाना होगा यानी पुश करना होगा, स्टार्ट करना होगा। जैसे इसे चलिए हम दबा देते हैं, जैसे इसे हम दबा दिए, उसके बाद आप देखेंगे तो ये स्टार्ट हो गया। अगर इसे ऑफ करना है तो जो स्टॉप का बटन है जो रेड कलर का है, स्टॉप लिखा हुआ है, उस पर हम दबाएंगे इसे दो बार। जब इसे दो बार दबा देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा यानी बंद हो जाएगा डीजी हमारा। तो ये मैनुअल तरीका रहा स्टार्ट और ऑफ करने के लिए। जैसे कि एक बार चलिए स्टार्ट और ऑफ एक बार और कर देते हैं, अब चलिए हम आपको बतलाते हैं ऑटोमेटिक इसको कैसे करें। सबसे पहले जो कंट्रोल स्विच है इसे ऑफ करेंगे और उसके बाद इसको ऑन करेंगे। तो यहाँ पे इसको चलिए ऑन कर देते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे डिस्प्ले पे रेडी कब लिख रहा है, जब रेडी लिख देगा तब हम आपको बतलाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका रेडी लिखेगा अभी, जैसे रेडी लिख दिया, रेडी लिखने के बाद जो ऑटो का बटन है उस पर आप पुश कीजिए, उसके बाद एक रेड कलर का बटन जल जाएगा, जैसे इसे दबाइए तो इस तरह से आपका ये जल गया। उसके बाद जो इसका एमसीबी है इसे भी चलिए ऑन कर देते हैं, जो नीचे है हमारा यहाँ से जो आउट करेगा, जिसे ऑन कर दिए, अब ये ऑटोमेटिक हो गया। अगर पावर सप्लाई नहीं रहता है तो एक मिनट के अंदर ये स्टार्ट हो जाएगा, और पावर सप्लाई आता है तो दो मिनट में ये बंद हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखते हैं ये जो है यहाँ पर आपका जो लाइन नहीं है, इसलिए लाइन नहीं है क्योंकि हम लाइन कट किए हुए हैं, SL पावर सप्लाई है देखने के लिए कि स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा डीजी स्टार्ट है। अब इसे ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, जो मेन बोर्ड से फ्यूज निकाले हैं उसको हम लगाएंगे। तो सबसे पहले चलेंगे मेन बोर्ड के पास, जैसे यहाँ पे इंडिकेटर सिर्फ डीजी का ऑन है, मेन का ऑन नहीं है। जैसे ये हमारा डीजी है और यहाँ पे किट कट फ्यूज हम निकाल लिए हुए हैं, तो इस किट कट जब फ्यूज को लगा देंगे तो उसके अंदर पावर सप्लाई चला जाएगा, जब पावर सप्लाई चल जाएगा तो वो बंद हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो किट कट फ्यूज है वो हम लगा देते हैं, उसके बाद इसके अंदर स्टेबलाइजर लगा हुआ है तो दो चार सेकंड में स्टेबलाइजर भी आउट कर देगा। जैसे इसे लगा दिए तो जब आउट करेगा तो जो ऑटोमेटिक चेंजर है उसका इंडिकेटर जैसे ये ऑन हो गया, अब यहाँ पे डीजी आपका बंद हो जाएगा दो मिनट के अंदर, इसलिए क्योंकि जो लाइट है फ्लैक्चुएट करता है, कभी आता है कभी जाता है एक एक मिनट में, उसलिए दो मिनट में आपका बंद हो जाएगा। तो इसको देखते हैं बंद होता है कि नहीं, तो जैसे कि ये हमारा ऑफ हो रहा है, जैसे आप देख रहे हैं साउंड कम हो गया है। वीडियो को थोड़ा हम फास्ट कर दिए थे कि जल्दी हमारा वीडियो थोड़ा और छोटा हो जाए, तो यहाँ पे ये ऑफ हो गया।
तो ये हो गया ऑटोमेटिक वर्क। अगर आपका पावर सप्लाई आता है तो ये बंद हो जाएगा, कट जाता है तो ये चालू हो जाएगा। जब ऑटोमेटिक पे इसे सेट कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक बटन के ऊपर एक इंडिकेटर रहता है, वो आपका जल जाएगा। स्टॉप का उस समय जलता है जब आपका बंद हो जाता है। तो यहाँ पे चलिए हम कंट्रोल स्विच को ऑफ कर देते हैं। उसके बाद जो इसका मेन एमसीबी है उसे भी ऑफ कर देते हैं। अगर इतना ऑफ करते हैं, अगर डीजी चलता भी है तो करंट आउट नहीं करेगा। ये आपको ज़रूरत है ऑफ करके काम करने के लिए, उस पीरियड में भी ये किया जाता है। तो इस तरह से कनेक्शन किया जाता है। कोई भी डीजी हो उसका कनेक्शन ऑटोमेटिक करना है। अगर पावर सप्लाई आए तो बंद हो जाए, पावर सप्लाई कट जाए तो ऑटोमेटिक चालू हो जाए। तो इस तरह से कनेक्शन वायरिंग किया जाता है। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और इसके अंदर एक इमरजेंसी बटन दिया गया रहता है, कभी डोर बंद है, जैसे ये इमरजेंसी स्टॉप है, सिर्फ ये बंद करने के लिए दिया जाता है कि जनरेटर चालू है और ये डोर बंद है और चाबी से लॉक है और उस टाइम पर बंद करना है, डोर नहीं खुल रहा है। तो उस समय क्या होगा, ये जो पुश बटन है इसे दबा देंगे तो हमारा डीजी बंद हो जाए। जैसे इस तरह से दबा देंगे तो ये लॉक हो जाता है और बंद हो जाता है। और फिर जब चालू करना हो तो लॉक जब तक नहीं खोलेंगे तब तक चालू नहीं होगा। तो इस तरह से ये काम करता है डीजी।